Bedtime Stories with Nana. Hi दोस्तों and welcome to Bedtime Stories with Nana. क्या आप आज की कहानी सुनने के लिए excited हैं? आप सबने अपने दांत ब्रश किए? Well done. आज मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा. अरे वाह मिट्टू. और दोस्तों आपको भी आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी. आज हम सीखेंगे मूसा की कहानी. मूसा एक लावी खानदान में पैदा हुआ. उसकी पैदाइश के वक्त मिस्र के हुक्मरान फिराउन ने सारे छोटे छोटे बच्चों को मार देने का हुक्म दिया. ओ नो, ये कैसा हुक्म था? फिर क्या हुआ? मूसा की माँ ने नन्हे मूसा को कपड़े में लपेटकर एक टोकरी में डालकर दरियाए नील में बहा दिया. मिंटू, ओ वाओ, यानी रिवर नाइल. दोस्तों नन्हे मूसा को फिराउन की बेटी ने दरियाए नील से निकालकर अपना बना लिया. उसने मूसा को महल की हर सहूलत और आराम दिया, पर मूसा का दिल अपनी कौम के लिए धड़कता था. उसकी कौम किधर थी? मिंटू, उसकी कौम इजिप्ट यानी मिस्र में गुलाम थे. ओ, गुलामी मतलब वो मिस्र में स्लेव्स थे. बिल्कुल ठीक कहा तुमने. मूसा अपने लोगों पर किया जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था. एक दिन मूसा ने तहश में आकर एक सिपाही की जान ले ली, क्योंकि वो किसी इब्रानी शख्स को मार रहा था. पर फिराउन तक खबर पहुंचने से पहले ही मूसा महल से भाग गया, क्योंकि वो जानता था कि ये वाकया सुनके फिराउन उससे बहुत गुस्सा होगा और शायद मूसा को मार भी देगा. फिराउन इतना खतरनाक आदमी था? जी हाँ मिंटू, फिराउन एक बहुत बहुत खतरनाक हुक्मरान था. दोस्तों खुदा ने मूसा को महल में रखा और फिर बहुत साल बियाबान में भी रखा, जहां वो भेड़े चराने लगा और एक नई जिंदगी का आगाज किया. बियाबान मतलब डेजर्ट. वाओ मिंटू, यू आर सो क्लेवर. खुदा मूसा के जरिए अपने लोगों को बचाना चाहता था. मूसा के जरिए अपने लोगों को बचाना चाहता था? जरा आगे तो सुनो मिंटू. उसने मूसा को आवाज देकर बुलाया था, क्योंकि वो अपनी कौम को मिस्रियों की गुलामी से निकाल कर मुल्के कनान ले जाए, एक ऐसी जगह जो खुदा ने खुद अपने लोगों के लिए रखी थी. नैना, क्या मूसा ये सब करने के लिए रेडी था? मूसा बहुत खौफजदा हुआ, पर खुदा मूसा के साथ था. खुदा ने मूसा से कहा कि वो अपने भाई हारून को लेकर फिराउन के पास जाए और अपने लोगों की रिहाई की इल्तजा करे, वरना खुदा मिस्र पर अपना गजब नाजिल करेगा. मूसा ने अपने साथ के लोगों को खुदा का पैगाम दिया. मगर क्या मूसा और हारून फिराउन के पास गए? जी मिंटू, मूसा और हारून फिराउन के पास गए और उससे मिले. उन्होंने अपने कौम की रिहाई की इल्तजा की, पर दोस्तों फिराउन का दिल बहुत सख्त था. वो जब जब उनकी बात ना मानता था, तब तब खुदा मिस्र पर कोई ना कोई मुश्किल जरूर भेजता था. सात बार यूं ही हुआ कि फिराउन ने मूसा की कौम को ना जाने दिया और सात बार खुदा ने मिस्र पर अपना गजब नाजिल किया. कभी दरियाए नील को खून की नदी बनाकर, तो कभी मेंढकों का हुजूम भेजकर मिंटू. मेंढकों का हुजूम भेजकर, और कभी टिड्डियों का समंदर भेजकर, तो कभी मिस्र की सारी फसल मारकर. अरे इतने सारा कुछ होने के बाद तो फिर फिरौन समझ ही गया होगा. और मिंटू, इस सब के बाद भी जब फिराउन का दिल ना पिघला, तो मिस्र के हर शख्स के पूरे जिस्म पर फोड़े हो गए. आसमान से गजबनाक ओले बरसे, जो इंसान और जानवरों के लिए जानलेवा थे. और दोस्तों जब फिर भी फिराउन ने बात ना मानी, तो सारे मिस्र में अंधेरा हो गया. इस सब के बाद भी फिराउन ने खुदा का हुक्म ना माना मिंटू. और फिर आखिरकार खुदा ने पूरे मिस्र के पलौठे छीन लिए, क्योंकि फिराउन खुदा की कौम को रिहा नहीं कर रहा था. मिंटू, इस साफ़त के बाद फिराउन का दिल पिघल गया और उसने उनको मिस्र से जाने का हुक्म दिया. ये! आखिर फाइनली फिराउन हार मान ही गया. नहीं नहीं मिंटू, फिराउन इतनी जल्दी हार का मानता था? उसने अपने 600 बेहतरीन फौजी लेकर उनका पीछा किया, क्योंकि उसको अफसोस था कि अब उनके पास खिदमत गुजारी के लिए कोई गुलाम ना थे. मिस्री फौजें तेजी से उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी, तब खुदा ने मूसा को अपनी लाठी से समुंदर के दो हिस्से करने का हुक्म दिया. खुदा ने समुंदर को दो हिस्से कर दिया, ताकि उसकी कौम समुंदर के उस पार सेफली पहुंच जाए. वाओ, समुंदर के दो हिस्से, हाउ कूल! लेकिन दोस्तों
मिस्री फौजी अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वो उस पार पहुंचे तो खुदा ने मूसा को एक और हुक्म दिया कि वो अपनी लाठी उठाए और समुंदर के बीच का रास्ता बंद कर दे। ऐसा करने से फिराउन और उसके तमाम फौजी पानी में डूब जाएंगे। हाँ। और इसी तरह खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया। खुदा की कौम उसका शुक्र करने लगी और खुदा ने साबित किया कि वो अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। हुर्रे! देखा मिंटू, है ना इंटरेस्टिंग बात। दोस्तों, खुदा नामुमकिन हालात में भी हमें बचा सकता है। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं, चाहे वो जालिम हुक्मरान का दिल बदलना हो या कोई गहरे समुंदर को दो हिस्से करना हो। खुदा के लिए हर काम मुमकिन है। बियाबान तक, मुल्क के हुक्मरान तक, मूसा को था जाना, फिरौन को था मनाना। महल से बियाबान तक, मुल्क के हुक्मरान तक, मूसा को था जाना, फिरौन को था मनाना। खुदा की सुनता था जो वो कहता था वो करता था। मूसा खुदा की सुनता था जो वो कहता था वो करता था। खुदा के कहने पर उसने लाठी जमीन पे मारी, गुलजम दो हिस्से हुआ, बच गई इसराइल कौम सारी। महल से बियाबान तक, मुल्क के हुक्मरान तक, मूसा को था जाना, फिरौन को था मनाना। महल से बियाबान तक, मुल्क के हुक्मरान तक, मूसा को था जाना, फिरौन को था मनाना। तो मिंटू, कैसा लगा तुम्हें आज का सॉन्ग? बहुत अच्छा था। अब तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये सॉन्ग गाया करूंगा। गुड बॉय, शाबाश। तो मिंटू, जल्दी से टेल आवर फ्रेंड्स, व्हाट टाइम इज इट? इट्स प्रेयर टाइम। ये, और फ्रेंड्स, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स प्रे। फादर गॉड, थैंक यू फॉर लविंग अस। आप हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं और हमारे बहन भाई माँ बाप सबके साथ होते हैं। आपका शुक्र करते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। आमीन। आमीन। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए देखते रहना बेड टाइम स्टोरीज विद मिंटू एंड नैना। बाय बाय।